सोमवार को एक राहगीर अजीत यादव ने ईमानदारी की मिसाल पेश की। दरअसल एटीएम से पैसा निकालने गए राहगीर अजीत यादव ने देखा कि अचानक से 10,000 की नकदी निकल गई है। ऐसे में अजीत ने उन पैसों को असल मालिक को देने के लिए के आस में एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता के पास पहुंचा, जहां उसने एसएसपी से सारी बात साझा की। राहगीर ने एटीएम से निकले 10,000 की रकम एसएसपी को देकर उसे उसके असल मालिक तक पहुंचाने की अपील की, जिस पर एसएसपी ने अजीत के नेक काम की सराहना की। आपको बता दें कि बस कंडक्टर अजीत कुमार यादव, जो स्पोर्ट्स कॉलेज के पास अंबे नगरी कॉलोनी में रहता है, सोमवार को सुबह असुरन इलाके में मेडिकल कॉलेज रोड स्थित एसबीआई के एटीएम से पैसा निकालने गया था, जहाँ बगैर एटीएम इस्तेमाल किए एटीएम से 10,000 की नकदी निकल गई, जिसे बस कंडक्टर अजीत कुमार यादव ने एसएसपी को के सुपुर्द कर उसे उसके असल मालिक को देने की अपील की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ संवाददाता से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा। जी बिल्कुल, एक अजीत यादव जी हैं जो पेशे से कंडक्टर हैं, रोडवेज में बस के कंडक्टर हैं। उनको आज सुबह 7:30 बजे जब वो एटीएम में पैसा निकालने गए तो स्लॉट में पैसे फंसे मिले उनको 10,000 रुपये, तो उन्होंने पुलिस को सौंप दिए हैं। पुलिस उसके जो उसका है, जिसका भी है, उसको ढूंढ करके तलाश करके पुलिस उसको देगी। और इस तरह की ईमानदारी की मिसाल अजीत जी ने पेश की है, बहुत ही काबिल तारीफ़ है।